नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। छोली खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर रुटासरा ने दी बधाई, कहा आने वाले 2 साल का खाक भी जनता के सामने रखा जाएगा। शहीद वीर सपूतों को मेवाड़ की माटी से ऐतिहासिक श्रद्धांजलि, मेजर नटवर सिंह शक्तावत स्टेडियम में हुआ भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम। दूसरे दिन भी जारी रही बैंकों की हड़ताल, विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को बधाई दी है। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार के 3 साल का कार्यकाल जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। सरकार 3 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने जा रही है, साथ ही आने वाले 2 साल का खाका भी जनता के सामने रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की पहल पर पीसीसी में लगाए जा रहे मंत्रियों के जनता दरबार में आने वाले समस्याओं को लेकर पीसीसी सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष आज पीसीसी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के नेताओं के योगदान को याद किया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्षता आंदोलनकारी पूनम अंकुर छाबड़ा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य के अंदर 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक HSF फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हनुमानगढ़ टाउन में राजकीय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवी विक्रम ढूडिया ने बताया कि बहन पूनम अंकुर छाबड़ा समाज में नशा मुक्ति जैसे बड़े उद्देश्य को लेकर एक नई क्रांति को जनमानस तक पहुंचा रही है। इसमें हजारों युवा रोज प्रेरित होकर नशे का त्याग कर रहे हैं। रक्तदान शिविर में HSF फाउंडेशन के सचिन सिंगला, विक्रम ढूडिया सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से है, जहां पर विजय दिवस की संध्या पर देश के सेना प्रमुख विपिन रावत सहित अन्य सभी शहीदों को गंगरार उपखंड मुख्यालय पर स्थित शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत स्टेडियम में M2 प्रयास एवं समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। M2 प्रयास के संस्थापक मनोज मीणा ने बताया कि गुरुवार को विजय दिवस की शाम 6:15 बजे M2 प्रयास के अध्ययनरत बच्चे, उपखंड अधिकारी, जिला मुख्य प्रधान, पूर्व प्रधान, सरपंचगण, उपखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों व सामाजिक संगठनों के साथ समस्त क्षेत्रवासियों ने हजारों की संख्या में कैंडल जला पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। M2 प्रयास के बच्चों ने भारत के चित्र की आकृति में बैठकर उसमें नमन बनाकर मां भारती के शहीद वीर सपूतों को खोने का दुख प्रकट किया। M2 प्रयास के लगभग 1000 बच्चों द्वारा स्टेडियम में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में भारत का नक्शा, शोक शस्त्र और श्रद्धांजलि संदेश की आकृति बनाकर उस पर खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर सूरतगढ़ से है, जहां पर संयुक्त बैंक कर्मचारी संगठन सूरतगढ़ के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा निजीकरण के विरोध में की जा रही हड़ताल के दूसरे दिन सूरतगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक की बीकानेर रोड शाखा के आगे धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देश के 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन ने निजीकरण हेतु संसद में लाए जा रहे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की है। सूरतगढ़ के विभिन्न सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों ने इस रोष प्रदर्शन में भाग लिया। वरिष्ठ बैंक कर्मी भूपेंद्र नागपाल ने बताया कि 2 दिन में सूरतगढ़ की विभिन्न शाखाओं में कुल 18 करोड़ का नकदी लेन देन प्रभावित हुआ और कुल 8 करोड़ रुपए के चेकों का समाशोधन बाधित हुआ है। श्री गंगानगर के नई मंडी खरसाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 12 MLD के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 की 16 व कक्षा 10 की 13 बालिकाओं को राज्य सरकार की योजना अनुसार निःशुल्क साइकिल वितरण की गई।
साइकिल वितरण प्रभारी सरदुल कुमार ने बताया कि गत वर्ष कोरोना के कारण साइकिल वितरण नहीं हो सकी थी, इसलिए दोनों कक्षाओं की 29 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजविंदर कौर, सरपंच कलावती, सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी, एसएमसी अध्यक्ष मोहन लाल, विद्यालय शिक्षक स्टाफ तथा गणमान्य लोग व अभिभावक मौजूद रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।